नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। तिजारा फाटक स्थित ओवरब्रिज की देखरेख करने के लिए क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से की मांग। जी हां, अलवर शहर के तिजारा फाटक स्थित ओवरब्रिज की देखरेख करने के लिए क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है। अलवर शहर के तिजारा फाटक स्थित ओवरब्रिज की देखरेख के लिए क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है। क्षेत्र के पूर्व पार्षद पूरण भगत ने बताया कि इस ओवरब्रिज का निर्माण 2019 में हुआ था, लेकिन इसकी देखरेख की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। अधिकतर लाइटें खराब हैं और पुल के नीचे पानी भी टपकता है। इसकी देखरेख और मरम्मत का कार्य करवाना बहुत जरूरी है। पुल की सुंदरता बनाए रखने के लिए उस पर कोई रंग रोगन भी नहीं हुआ। पूर्व पार्षद ने प्रशासन से मांग की है कि पुल की सुंदरीकरण के लिए लाइट और रंग रोगन की व्यवस्था करानी चाहिए, जिससे ओवरब्रिज की सुंदरता बनी रहे। आपकी क्या प्रशासन से और पुल को लेकर क्या मांग है कि जैसे आप पूर्व पार्षद भी रहे, जैसे आपको कहना है कि पुल में कई कमियां हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है? देखो, ये 2009 में पुल का निर्माण होने की इसकी टाइम था, 2009 में। उसके बाद में ये पुल बना तो इसकी कोई देख रेख या कोई भी चीज़ आज तक किसी ने देखी नहीं। इसके बाद में ये जो जेल का चौराया और अपने टैल को चौराहे तक जो डिवाइडर बने हैं, इसकी साइड नापो तो इनों में भी बहुत अंतर है। उसके बाद में भी ये साइड जो पड़ा है, इसमें न तो सफाई होती है, न इसमें कोई पेड़ वगैरह लगे। और इसके बाद में ये जो लाइटियाँ लगी है, तो पूरे मेरे साल में 5 साल हो गए, जब मैं पार्षद था तब भी बहुत कोशिश करी थी, तो ये लाइट आज तक सही नहीं हुई। 2-3 लाइट जड़ी हुई है पूरे ओवरब्रिज के ऊपर। और पुल की समस्या, मैं खड़ा हूँ इस समय, यहाँ देखो इतनी घटिया हो रही है, कभी भी इसमें दुर्घटना हो सकती है। पानी टपकता है, बारिश जब आती है तो पानी टपकता है, कोई इसको देखने वाला नहीं है, आता है कई।